खबर जोधपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा। जी हां, जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे। फलोदी, लोहावाट और लूणी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दौरा, आपको बता रहे, वैभव गहलोत के समर्थन में प्रचार करेंगे। उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, जोधपुर से लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत, और उन्हीं के पक्ष में माहौल बनाते हुए जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वैभव गहलोत के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फलोदी, लोहावाट और लूणी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी है, और इसी बीच जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए अपने बेटे यानी कि वैभव गहलोत के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे। जोधपुर सीट एक लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राजस्थान के मद्देनजर हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी है, और इसी बीच जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैभव गहलोत के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे। फलोदी, लोहावाट और लूणी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में दो चरणों में मतदान होना है, यानी कि 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान होगा। जोधपुर सीट से पहली बार वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके पिता यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दयाल जोधपुर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी दयाल, बताएं क्या कुछ अपडेट आपके पास। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर जिले के लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार में है मुख्यमंत्री। सुबह 10 बजे के लगभग पहुंचे थे यहाँ, एक रेडिसन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर कोर्ट में मोदी द्वारा कहा गया कि गली गली में घूमकर अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ अपने बेटे की सीट बचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। इन आरोपों को अशोक गहलोत ने ये कहते हुए कहा कि मोदी और अमित शाह भी लगातार जोधपुर के दौरे कर रहे हैं, तो इससे साफ लगता है कि बीजेपी में भी एक बार दहशत है कि जो मामला है, जो टक्कर है इस बार लोकसभा क्षेत्र में, वो कांटे की है। और उसके बाद आज जोधपुर मुख्यमंत्री अभी फलोदी जाएंगे, फलोदी के बाद लोहावट विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद शेरगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आएंगे, वहाँ भी अशोक गहलोत एक जनसभा को संबोधित करने के बाद लूणी विधानसभा क्षेत्र में एक कुड़ी बक्ताश्री में जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद जोधपुर शहर और सजापुरा विधानसभा क्षेत्र में रात को अशोक गहलोत प्रचार करेंगे। दयाल, ये बताएं कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता भी है जोधपुर में, और उनके बेटे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ की आम जनता क्या कुछ सोचती है, क्या आपकी किसी से बात हो पाई है? निश्चित तौर पर नवीन, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में मुख्यमंत्री का पुत्र जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नए प्रत्याशी है, साथ ही उनके सामने केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो निश्चित ही एक बड़ा मुकाबला है। जो कैबिनेट मोदी कैबिनेट के मंत्री है उनके सामने है, तो एक नया कैंडिडेट एक मिस वाला है, तो कहा जा सकता है कि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो भी लाखों में था, और इस बार जो कैंडिडेट है जोधपुर से वो वैभव गहलोत है, जो अशोक गहलोत के पुत्र भी है और पहले कांग्रेस में महासचिव भी है, और लगातार पिछले 15 सालों से कांग्रेस में कार्य करते रहे हैं, जिसके चलते काफी अच्छी छवि वैभव गहलोत की जोधपुर में कही जा सकती है। और सामने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनका भी छवि जोधपुर में अच्छी है, जिसके चलते एक बार कहा जाता था कांटे की टक्कर है, और नेक टू नेक चल रहा है, जिस तरह से चुनाव प्रचार है वो भी नेक टू नेक चल रहा है, तो दोनों कैंडिडेट है वो भी नेक टू नेक है। इससे साफ लगता है कि इस बार की जो जोधपुर की सीट है इतनी हॉट सीट है कि यहाँ हजारों में ही जीत का अंतर रहेगा। जी दयाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा, जोधपुर से पहली बार उनके बेटे वैभव गहलोत तो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।